वैसे दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, इस टाइम पर जो ओप्पो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। हाल ही में उन्होंने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसका नाम है ओप्पो K5। ये फ़ोन चीन में लॉन्च कर दिया गया है। इस फोन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं जिसका प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में ये फ़ोन इंडिया में कब देखने को मिलेगा और कितनी प्राइस में देखने को मिलेगा। वैसे इस स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें दी गई हैं, तो फटाफट से इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी इस स्मार्टफोन के बारे में दे दी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पर। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको 3920 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि फास्ट चार्जिंग 30 वॉट के साथ आएगी। मतलब इसमें आपको फास्ट चार्जर 30 वॉट का बॉक्स के साथ ही दिया जाएगा जो कि बूक चार्जिंग 4.0 को सपोर्ट करता है। तो मतलब आप गैस कर सकते हैं कि आपका फ़ोन कितनी जल्दी चार्ज होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैटरी को लेकर के, तो यहाँ पे ओप्पो वालों ने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। बैटरी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से जल्दी चार्ज होकर देगी क्योंकि तो इसमें आपको 30 वॉट का चार्जर दिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये स्मार्टफोन आपको 2 वेरियंट में देखने को मिलेगा, 6GB 128GB और 8GB 256GB स्टोरेज के साथ आएगा। जी फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इस स्मार्टफोन में आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 730 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। तो प्रोसेसर भी कमाल का रहने वाला है आपके लिए, आपके फोन को हैंग बिल्कुल भी नहीं देने वाला है। वैसे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ मैं आपसे एक बात जरूर से कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दो और हाँ ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए जैसे वीडियो को अपलोड करते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.4 इंच की नॉच डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। ये डिस्प्ले आपको फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और फेस अनलॉक का ऑप्शन भी दिया गया है। दोनों ही ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। बैक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइड में 4 कैमरे दिए गए हैं। कलर दिखने में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वैसे हाल ही के जितने भी स्मार्टफोन हैं सारे स्मार्टफोन के कलर इस टाइप के ही आ रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिखने को अच्छे लगते हैं ये कलर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके कैमरे को लेकर के, जो बैक में इसमें 4 दिए गए हैं, तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया, 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो लेंस दिया गया है, अगेन 2 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस दिया गया है। मतलब 4 कैमरे बैक में दिए गए हैं, तो बैक के कैमरे काफ़ी ज़्यादा तंगड़े हैं। लेकिन बैक के कैमरे तंगड़े तो हैं, साथ ही साथ इसका फ्रंट कैमरा भी तंगड़ा है क्योंकि इसमें आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँ तो ओप्पो, जैसे कि आपको पता है कि कैमरा स्मार्टफोन के लिए जाना जाता है, तो वैसा ही उन्होंने किया है। कैमरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए गए। अगर आप कोई देख रहे हैं ओप्पो का स्मार्टफोन जिसमें कैमरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हों, तो ये डेफिनेटली स्मार्टफोन आपके लिए बना है, आपको इस स्मार्टफोन के लिए वेट कर लेना चाहिए। और दोस्तों बात करूँ यहाँ पे इसकी लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ 6GB 128GB वाले वेरियंट की जो कीमत रखी गई है वो चीन में 18,900 रुपये रखी गई है, और 8GB 256GB वाले वेरियंट की जो कीमत रखी गई है वो 20,900 रुपये रखी गई है। तो प्राइस भी अग्रेसिव रखी गई है। अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं ओप्पो का स्मार्टफोन जो कि कैमरा लेवल का स्मार्टफोन हो, तो ये डेफिनेटली आपके लिए स्मार्टफोन होने वाला है। और मैं आपको ये बता दूं, इंडिया में आपको नवंबर के महीने में देखने को मिल जाएगा क्योंकि चीन में लॉन्च होता है एक महीने के उसके बाद ही आपको इंडिया में देखने को मिल जाता है। तो क्या आप इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहेंगे, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता के जरूर से जाना। साथ ही साथ मैं आपको एक बार जरूर से बोलना चाहूँगा कि ये भी कॉमेंट सेक्शन में बताना बेस्ट ऑफ द पार्ट इस वीडियो का, जो आपको कौन सा स्मार्टफोन में लगा है। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ओप्पो K5 की सारी जानकारी मिल गई होगी। जानकारी मिल गई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना। अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे इस चैनल पे आपके लिए नए नए मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। मैं फिर मिलूंगा एक नए स्मार्टफोन के साथ, तब तक के लिए बाय।